हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सक्सेस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। और आज जो कहानी मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है और बहुत थोड़ा सा समय लूँगी आपका। बस मेरी कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बात है 1848 की, 1848 में कैलिफोर्निया में एक गोल्ड रश चल रहा था। आप इंटरनेट पर इस चीज़ को इंक्वायर कर सकते हैं। और इस गोल्ड रश में क्या था, ज़्यादातर लोग जा करके और कैलिफोर्निया के आसपास की जो खदानें हैं वहाँ पे खोद करके और सोना निकाल रहे थे। अब ये कहानी है यू आर डार्बी और उनके अंकल की। यू आर डार्बी को भी लगा कि भाई मैं इजीली ये यू आर डार्बी जो है ये रहने वाले थे विलियम्सबर्ग मैरीलैंड, USA में है। और इन्होंने भी एक पिक और शावल खरीदा जो खोदने के लिए चाहिए और कैलिफोर्निया के वहाँ चले गए। और इन्होंने जो जगह लोकेट की थी वहाँ पे इन्होंने खुदाई शुरू की। अब ये खुदाई शुरू की तो थोड़ा खुदाई करने के बाद, ये बहुत मुश्किल काम था लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा था, सोना इतना मिलना था। तो इन्होंने शुरू किया और थोड़ा बहुत सोना भी मिला। और उसके बाद फिर इन्हें लगा कि अब तो सोना नहीं मिल रहा है, तो ये अपना जो भी सामान इन्होंने खरीदा था उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी, वहाँ आसपास कोई कबाड़ी था उसको दे करके और ये अपने घर आ गए। अब सारे कबाड़ी तो वैसे नहीं होते, बहुत लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, ज़्यादातर लोग इंटेलिजेंट ही होते हैं। तो ये जो जिन्होंने जो खरीदा था जंक मैन, इन्होंने इनको लगा कि इन्होंने किसी एक अच्छे इंजीनियर को हायर किया और ये उसी जगह पे पहुंचे और वहाँ पे खुदाई। इंजीनियर ने बताया कि इसके ठीक 3 फीट नीचे सोना है और इन्होंने वहां पे उस जंक मैन ने खुदाई शुरू की और उसके नीचे 3 फीट नीचे वो उस जमाने की कैलिफोर्निया की सबसे रिच माइन निकली। सबसे रिच माइन, ये सूचना जब अंकल डार्बी, यू आर डार्बी और उनके अंकल को पता चली तो उनको बहुत बुरा धक्का लगा। बहुत, ये बहुत बड़ा सेटबैक था और वो बार बार इस चीज को रिग्रेट करते रहे कि सिर्फ 3 फीट अगर और खुदाई कर देते तो वो शायद आज सबसे रिच होते, रिचेस्ट होते। अब ये एक सेटबैक था। और उसके बाद आप इसको अगेन, फिर मैं कहूंगी इंटरनेट पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यू आर डार्बी लाइफ इंश्योरेंस करके। उन्होंने उसके बाद इस सेटबैक से एक कहानी, इस घटना से एक सीख लिया, एक पाठ सीखा। और जो इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने शुरू की, ये बहुत लिमिटेड इंश्योरेंस करती है लेकिन ये दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इंश्योरेंस कंपनी। और उनकी शुरुआत होती है, उनका जो मोटिव होता है कि कस्टमर सबसे पहले ना कहेगा और उस ना को आपको किस तरह परसुएड करके हाँ में बदलना। अगर मैं पूरी कहानी को एक शब्द में डाल दूं तो वो है परसिस्टेंस, लगातार। आपको जब भी लगता है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसमें लगे रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब नाउ नथिंग, स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली एंड देन आई प्रॉमिस यू, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सो प्लीज डू नॉट गिव अप। जो भी आप काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रेगुलरिटी, परसिस्टेंस और कंटिन्यूटी जितनी आप रखेंगे, सक्सेस इज ऑलवेज योर्स। कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो लगातार लगे रहते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड लाइक। थैंक यू सो मच। देखिए